हेलो गाइस, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उत्तराखंड परिवहन में एयरपोर्ट। आपको पता है कि उत्तराखंड में चार प्रमुख एयरपोर्ट हैं, उन्हीं को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। और मैंने आज एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको उत्तराखंड यातायात पुलिस के बारे में बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लीजिए और आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पॉइंट है हमारा हवाई परिवहन या यातायात उत्तराखंड में। इसमें हम पढ़ेंगे एयरपोर्टों के बारे में। तो उत्तराखंड में हमारे चार मुख्य एयरपोर्ट हैं, इन्हीं के बारे में हम जानेंगे क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। सबसे पहला हमारा है नैनीसैनी एयरपोर्ट। तो नैनीसैनी एयरपोर्ट हमारा कहाँ है, तो आपका ये पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। बहुत टाइम उत्तराखंड के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो नैनीसैनी एयरपोर्ट आपका पिथौरागढ़ में है, और पिथौरागढ़ को हम क्या कहते हैं, सोर घाटी या छोटा कश्मीर। क्या कहते हैं, सोर घाटी या छोटा कश्मीर। और इसको किसने बताया, बसाया था इसका संस्थापक, तो राजा पिथौरा शाही। लास्ट टाइम पटवारे में पूछा गया क्वेश्चन है। नैनीसैनी को ATR 72 टाइम विमानों के परिचालन लायक बनाया गया है, इसमें छोटा सा एक पॉइंट है। इसके बाद दूसरा आता है आपका दून या जोली ग्रांट एयरपोर्ट, जिस या इसके बाद इसको हम क्या कहते हैं आजकल इसका नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट। कोई भी आए तो आंसर आपका होगा देहरादून। दून एयरपोर्ट या जोली ग्रांट या अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट, तो आपका कहाँ है, देहरादून में। और इसमें कुछ पॉइंट है, बोइंग और एयरबेस उतारने लायक 2007 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट, कभी कभी तो आपको इसमें मिलान करे भी आता है। आपको चार एयरपोर्ट दे दिए जाएंगे और उस साइड उधम सिंह नगर, पंत नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ दिया जाएगा और बोलेगा कि आपको इनका मिलान करें, ऐसा भी UKSSC में पूछ लिया गया था। तो नेक्स्ट है आपका गोचर हवाई अड्डा। तो गोचर हवाई अड्डा लास्ट टाइम पूछा गया था ये भी, तो आपका कहाँ पर है, चमोली में। गोचर में हेलीकॉप्टर सर्विस हेतु हैंगर का निर्माण किया गया है। हैंगर जहाँ हम क्या करते हैं, हवाई जहाजों को रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हैंगर। तो गोचर हवाई अड्डा क्या हो गया आपका, चमोली। और आपका लास्ट है आपका चौथा, पंतनगर या फूलबाग एयरपोर्ट। तो पंतनगर या फूलबाग एयरपोर्ट आपका कहाँ पड़ता है, पंतनगर उधम सिंह नगर में। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ नैनीताल व कार्बेट आने वाले पर्यटकों के लिए बाजपुर में एक छोटा सा एयरपोर्ट भी बनाया गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और एक लास्ट पॉइंट है, केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम 16 मई 2003 से पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ हुई थी। तो मैंने आपको बताया इस वीडियो में चार मुख्य एयरपोर्ट जो उत्तराखंड में है। सबसे पहला आपको बताया मैंने नैनीसैनी जो पिथौरागढ़ में है, दूसरा दून जोली ग्रांट हवाई अड्डा या अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट जो आपका देहरादून में है, तीसरा था गोचर हवाई अड्डा जो चमोली में है, और लास्ट में आपका पंतनगर या फूलबाग एयरपोर्ट जो पंतनगर उधम सिंह नगर में है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।